हाँ तो कैसे हैं आप लोग? अरे चलो, मज़ा नहीं आ रहा भाई। कैरी भाई तो कैरी भाई है। चलो आज तो हम फिर अपने टॉपिक पाते हैं। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं सक्सेस ड्रोन। आज के वीडियो में हम सुई को पानी में तैराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, सुई को हम पानी में तैराने जा रहे हैं। सिंपल वाटर में जनरली सुई फ्लोट नहीं करता है, वो सिंक कर जाता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपके सामने सुई को, वैसा सुई जिस सुई से हम लोग कपड़े को सिलते हैं, एक छोटी सी सुई को पानी में सिंपल वाटर में तैराने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और प्रोसेस समझिएगा किस प्रोसेस की मदद से हमने सुई को पानी में तैराया है। जनरली तो सुई पानी में फ्लोट नहीं करता, वो सिंक कर जाता है। लेकिन आज के वीडियो में को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सुई भी पानी में फ्लोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो हम बनाएंगे तो इस वीडियो में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसके लिए आपके समय को ना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हम वीडियो के स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर 2x स्पीड या 4x स्पीड तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा हम कैसे सुई को पानी में तैरा सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, आप समझिएगा किस प्रोसेस की मदद से हम सुई को पानी में तैरा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को करने के लिए हमने सिंपल एक पानी का बॉल लिया है, यानी बर्तन लिया, उसमें पानी को पोर्ट किया है, पानी को भर दिया है। देखिए सिंपल पानी है। अब हम देखिए, आप लोग देखिए कि कैसे हम सुई को पानी में तैराते हैं। तो सिंपली आपको दिखेगा वीडियो में कि हम सुई को कैसे पानी में तैराते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिंपली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि पहले छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। कागज़ का टुकड़ा लेने के बाद वो कागज़ का टुकड़ा धीरे धीरे भींग रहा है। ठीक है, भींग जाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उस कागज़ के टुकड़े पर ये जो सुई है, छोटी सी जो सुई है हमारे पास, एक छोटी सुई जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, ठीक है, उस छोटी सी सुई को हम उस कागज़ के टुकड़े पर डाल देंगे। तो आपको लगा हुआ कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है या धोखा दे रहा है। उसने बोला था कि हम सुई को पानी पर कैसे तैरा सकते हैं। बिल्कुल, हम पानी की सतह पर सुई को तैरा के आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बता दिया था इस प्रोसेस को करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए हम आपको इस वीडियो को थोड़ा फास्टर करके दिखाएंगे। तो ठीक है, चलिए आप शुरू कर लेते हैं, हम आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले हम कागज़ को हिला के कागज़ के सरफेस टेंशन को हम घटा रहे होते हैं, यानी कागज़ पर जो सरफेस टेंशन है हम उसको ख़त्म करेंगे। कि सुई पानी की सतह पर तैर रहा है, बिल्कुल आपके आंखों के सामने। कागज का जो थक्का था वो नीचे तैर गया, लेकिन सुई हमारा पानी में तैर रहा है। ये भी मैं आपको कैमरा को सामने ले जाकर दिखाता हूँ। देखिए हमारा सुई किस प्रकार से पानी में तैर रहा है, मैं आपको विभिन्न एंगलों के थ्रू दिखा रहा हूँ कि सुई किस प्रकार से पानी में तैर रहा है और कागज़ का टुकड़ा कैसे नीचे चला गया है। तो ऐसा ये इसलिए होता है कि कागज़ का जो सरफेस टेंशन है वो सुई ने एब्जॉर्ब किया और पानी में फ्लोट करने लग गया। तो आपको शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि सुई किस प्रकार से पानी में तैर सकती है। आई होप आपको ये साइंस ट्रिक समझ में आई होगी। अगर हम आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए पानी को हम थोड़ा हिला भी देंगे, फिर भी क्या होता है, सुई हमारी तैर ही रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि सुई हमारी किस तरह से सिंपल वाटर में फ्लोट कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे घंटे का बटन जो है उसको भी जरूर दबा दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।